वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। एमपी में और आपके साथ मैं हूं तनु। रामनवमी पर खरगोन में हुए हिंसा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उस दंगे में न जाने कितने घर जलकर राख हो गए थे और बहुत से लोग घायल भी हुए थे। रामनवमी पर दो समुदाय में हुए बवाल के बाद से वहां कर्फ्यू लगा दिया गया था। हालांकि अब वहां के माहौल को देखते हुए 24 दिन बाद प्रशासन ने बुधवार को शहर में लगे सभी प्रतिबंध को हटा दिया है। यहां अब हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। वहीं खरगोन में हुए हिंसा के बाद राजनेताओं ने जो सियासत शुरू की उसी का नतीजा है कि चाहे सरकार की प्रतिनिधि हो या विपक्ष का प्रतिनिधि, जनता उनसे कह रही है कि जाओ, यहाँ हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी, तुम्हारी झूठी सहानुभूति हमें नहीं चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि कर्फ्यू के खत्म होने के बाद कांग्रेस का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल हिंसा में पीड़ित लोगों से मुलाकात करने जिला मुख्यालय पहुंचा था। प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मंत्री और विधायक सज्जन सिंह वर्मा और डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो सहित बाला बच्चन, रवि जोशी, झूमा सोलंकी, गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी आदि शामिल थे। वीडियो खरगोन के मालीपुरा का बताया जा रहा है। यहाँ पहुँचने पर उन्हें लोगों का गुस्सा का सामना करना पड़ा। भारी भीड़ थी। भीड़ में मौजूद महिला और पुरुष उनसे पूछने लगे कि वो अब तक कहाँ थे। इसी दौरान आम जनता और कांग्रेसियों के बीच जमकर बहस शुरू हो गई। लोगों ने कांग्रेस नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई है। मालीपुरा में जब ये नेता पहुंचे तो वहां लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने इसका वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में सज्जन सिंह वर्मा लोगों के सवालों से बचते दिखाई दे रहे हैं, तो साधु की सुरक्षा घेरा बनाकर लोगों की भीड़ से बचाया जा रहा है। पीड़ितों ने उनसे सवाल किया कि आखिर 25 दिन बाद कांग्रेस को हमारी याद क्यों आई है। वही खरगोन से वापस लौटने के बाद कांग्रेस की तरफ से सफाई दी गई है कि देरी से आने का कारण प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था थी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें कहा था कि फिलहाल वह यहां का दौरा ना करें क्योंकि अभी लोग भड़क सकते हैं। कांग्रेस नेताओं ने विरोध करने वालों को भाजपाई बताते हुए कहा कि भाजपा के लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। बता दें कि खरगोन हिंसा मामले को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में जांच दल का गठन किया था, जिसके तहत गुरुवार को हिंसा प्रभावित माली मोहल्ले में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल हिंसा के कारणों का पता लगाने पहुंचे थे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और मध्य प्रदेश की तमाम ताजा खबर जानने के लिए देखते रहे आप वीके न्यूज़।